इस वीडियो में हम इंडिया ओपनर बैट्समैन शुभमन गिल और रोहित शर्मा वर्सेस पाकिस्तान ओपनर बैट्समैन इमामुल हक और फखर जमान के बीच टेस्ट, ओडीआई और टी20 लास्ट 25 इनिंग्स की बैटिंग परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं चारों बैट्समैन की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। इमामुल हक का जन्म 1995 में लाहौर में हुआ था। फखर जमान का जन्म 1990 में मर्दन में हुआ था। रोहित शर्मा का जन्म 1987 में नागपुर में हुआ था और शुभमन गिल का जन्म 1999 में फिरोजपुर में हुआ था। इमामुल हक की करंट एज 27, फखर जमान की करंट एज 33, रोहित शर्मा की करंट एज 36 और शुभमन गिल की करंट एज 24। इमामुल हक की हाइट 5'9" और वेट 71 kg, फखर जमान की हाइट 5'9" और वेट 66 kg, रोहित शर्मा की हाइट 5'18" और वेट 72 kg और शुभमन गिल की हाइट 5'10" और वेट 65 kg। इमामुल हक पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। फखर जमान भी पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। रोहित शर्मा टीम इंडिया की कैप्टन एंड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और शुभमन गिल टीम इंडिया की टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। इमामुल हक ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ ICC डेब्यू किया। फखर जमान ने 2017 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ICC डेब्यू किया। रोहित शर्मा ने 2007 में आयरलैंड के खिलाफ ICC डेब्यू किया और शुभमन गिल ने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC डेब्यू किया। इमामुल हक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। फखर जमान लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म स्पिनर है। रोहित शर्मा राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म स्पिनर है और शुभमन गिल भी राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म स्पिनर है। इमामुल हक ने ओपनिंग पर बैटिंग करते हैं। फखर जमान भी ओपनिंग पर बैटिंग करते हैं। रोहित शर्मा भी ओपनिंग पर बैटिंग करते हैं और शुभमन गिल भी ओपनिंग पर बैटिंग करते हैं। आप बात करते हैं ODI में उनके लास्ट 25 इनिंग्स की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। ODI में इमामुल हक ने लास्ट 25 इनिंग्स में कुल 1138 रन बनाए हैं। फखर जमान ने लास्ट 25 इनिंग्स में कुल 953 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने लास्ट 25 इनिंग्स में कुल 969 रन बनाए हैं और शुभमन गिल ने लास्ट 25 इनिंग्स में कुल 1415 रन बनाए हैं। इमामुल हक ने एक बार नॉट आउट रहे है। फखर जमान भी एक बार नॉट आउट रहे है। रोहित शर्मा ने 4 बार नॉट आउट रहे और शुभमन गिल भी 4 बार नॉट आउट रहे। इमामुल हक की बैटिंग औसत 47.50, फखर जमान की बैटिंग औसत 39.75, रोहित शर्मा की बैटिंग औसत 46.15 और शुभमन गिल की बैटिंग औसत 67.35। इमामुल हक के स्ट्राइक रेट 84.90, फखर जमान के स्ट्राइक रेट 93.85, रोहित शर्मा के स्ट्राइक रेट 110.35 और शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट 102.25। इमामुल हक की बेहतरीन स्कोर 106 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। फखर जमान के बेहतरीन स्कोर 180 अगेंस्ट न्यूजीलैंड। रोहित शर्मा के बेहतरीन स्कोर 101 अगेंस्ट न्यूजीलैंड और शुभमन गिल की बेहतरीन स्कोर 208 अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ODI में लास्ट 25 इनिंग्स में इमामुल हक ने 2 सेंचुरी और 12 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। फखर जमान ने 4 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। रोहित शर्मा ने 1 सेंचुरी और 9 हाफ सेंचुरी बनाए हैं और शुभमन गिल ने 5 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। इमामुल हक ने 1 बार मैन ऑफ द मैच बनाए हैं। फखर जमान ने 3 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। रोहित शर्मा ने 1 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं और शुभमन गिल ने 2 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। ODI में इमामुल हक की करंट एसिस रैंक नंबर 6, फखर जमान की करंट एसिस रैंक नंबर 11, रोहित शर्मा की करंट एसिस रैंक नंबर 10 और शुभमन गिल की करंट एसिस रैंक नंबर 2। आप बात करते हैं टेस्ट में उनका लास्ट 25 इनिंग्स की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। टेस्ट में इमामुल हक ने लास्ट 25 इनिंग्स में कुल 1083 रन बनाए हैं। फखर जमान ने अभी तक 25 इनिंग्स कंप्लीट नहीं किया। रोहित शर्मा ने लास्ट 25 इनिंग्स में कुल 1111 रन बनाए हैं और शुभमन गिल ने लास्ट 25 इनिंग्स में कुल 628 रन बनाए हैं। इमामुल हक ने 2 बार नॉट आउट रहे। रोहित शर्मा ने 1 बार नॉट आउट रहे और शुभमन गिल ने 2 बार नॉट आउट रहे। इमामुल हक की बैटिंग औसत 47.50, रोहित शर्मा की बैटिंग औसत 46.30 और शुभमन गिल की बैटिंग औसत 27.30। इमामुल हक के स्ट्राइक रेट 47.35, रोहित शर्मा के स्ट्राइक रेट 50.50 और शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट 57.05। इमामुल हक के बेहतरीन स्कोर 157 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा के बेहतरीन स्कोर 127 अगेंस्ट इंग्लैंड और शुभमन गिल के बेहतरीन स्कोर 128 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट में लास्ट 25 इनिंग्स में इमामुल हक ने 3 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। रोहित शर्मा ने 3 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी बनाए हैं और शुभमन गिल ने 2 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। इमामुल हक ने 1 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। रोहित शर्मा ने 3 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं और शुभमन गिल 0। टेस्ट में इमामुल हक की करंट एसिस रैंक नंबर 32, फखर जमान की करंट एसिस रैंक 100+,
रोहित शर्मा की कंट्री असिस्ट रैंक नंबर 10 और शुभमन गिल की कंट्री असिस्ट रैंक नंबर 52। आप बात करते हैं T20I में उनके लास्ट 25 इनिंग्स की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। T20I में इमाम उल हक ने अभी तक 25 इनिंग्स कंप्लीट नहीं किया। फखर जमान ने लास्ट 25 इनिंग्स में कुल 485 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने लास्ट 25 इनिंग्स में कुल 546 रन बनाए हैं और शुभमन गिल ने अभी तक 25 इनिंग्स कंप्लीट नहीं किया। फखर जमान ने दो बार नॉट आउट रहे हैं और रोहित शर्मा ने एक बार नॉट आउट रहे हैं। फखर जमान की बैटिंग औसत 21.10 और रोहित शर्मा की बैटिंग औसत 22.75। फखर जमान के स्ट्राइक रेट 116.85 और रोहित शर्मा के स्ट्राइक रेट 136.85। फखर जमान के बेहतरीन स्कोर 57 अगेंस्ट इंग्लैंड और रोहित शर्मा के बेहतरीन स्कोर 72 अगेंस्ट श्रीलंका। T20 में लास्ट 25 इनिंग्स में फखर जमान ने 3 हाफ सेंचुरी बनाए हैं और रोहित शर्मा भी 3 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। फखर जमान ने एक बार मैन ऑफ द मैच बने हैं और रोहित शर्मा भी एक बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। T20 में इमाम उल हक की करंट असिस्ट रैंक 100+, फखर जमान की करंट असिस्ट रैंक नंबर 91, रोहित शर्मा की करंट असिस्ट रैंक नंबर 48 और शुभमन गिल की करंट असिस्ट रैंक नंबर 31। आप बात करते हैं PSL एंड IPL में उनके लास्ट 25 इनिंग्स की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। PSL में इमाम उल हक ने पेशावर जर्मी के लिए खेलते हैं और लास्ट 22 इनिंग्स में कुल 542 रन बनाए हैं। फखर जमान ने लाहौर कैलेंडर्स के लिए खेलते हैं और लास्ट 25 इनिंग्स में कुल 942 रन बनाए हैं। IPL में रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं और लास्ट 25 इनिंग्स में कुल 492 रन बनाए हैं और शुभमन गिल ने गुजरात टाइटन्स के लिए खेलते हैं और लास्ट 25 इनिंग्स में कुल 1144 रन बनाए हैं। नॉट आउट इमाम उल हक 0, फखर जमान भी 0, रोहित शर्मा भी 0 और शुभमन गिल ने 4 बार नॉट आउट रहे। इमाम उल हक की बैटिंग औसत 24.75, फखर जमान की बैटिंग औसत 37.75, रोहित शर्मा की बैटिंग औसत 19.75 और शुभमन गिल की बैटिंग औसत 54.50। इमाम उल हक की स्ट्राइक रेट 124.30, फखर जमान की स्ट्राइक रेट 169.40, रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट 124.25 और शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट 148.95। इमाम उल हक की बेहतरीन स्कोर 59 अगेंस्ट कराची किंग्स, फखर जमान की बेहतरीन स्कोर 115 अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, रोहित शर्मा की बेहतरीन स्कोर 65 अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स और शुभमन गिल की बेहतरीन स्कोर 129 अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। PSL में इमाम उल हक ने लास्ट 25 इनिंग्स में कुल 5 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। फखर जमान ने 1 सेंचुरी और 8 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। IPL में लास्ट 25 इनिंग्स में रोहित शर्मा ने 3 हाफ सेंचुरी बनाए हैं और शुभमन गिल ने 3 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी बनाए हैं। इमाम उल हक ने एक बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। फखर जमान ने 3 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। रोहित शर्मा ने एक बार मैन ऑफ द मैच बने हैं और शुभमन गिल ने 5 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं। PSL 2023 में इमाम उल हक की PSL सैलरी 40 लाख, फखर जमान की PSL सैलरी 1 करोड़ 40 लाख। टाटा IPL 2023 में रोहित शर्मा की IPL सैलरी 16 करोड़ और शुभमन गिल की IPL सैलरी 8 करोड़। तो गाइस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स पर्सनल है, मुझे लगता है ODI में नंबर 1 पर है शुभमन गिल, नंबर 2 पर है इमाम उल हक, नंबर 3 रोहित शर्मा और नंबर 4 फखर जमान। टेस्ट में नंबर 1 पर है रोहित शर्मा, नंबर 2 पर है इमाम उल हक और नंबर 3 शुभमन गिल। T20I में नंबर 1 पर है रोहित शर्मा और नंबर 2 पर है फखर जमान और PSL एंड IPL में नंबर 1 पर है शुभमन गिल, नंबर 2 पर है फखर जमान, नंबर 3 रोहित शर्मा और नंबर 4 इमाम उल हक। गाइस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स आपको क्या लगता है ओवरऑल बेस्ट बैट्समैन कौन है कमेंट में बताइए और अगला वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।